हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? यूट्यूब की आल फैमिली। और आज है खोपड़ी की आरस। सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैंने लेके आई, ये देखो गन्ने भी दिख रही है। ये गन्ने की पूजा होती है आज हमारे यहाँ पे। उसके बाद में आवली, इधर कपड़े डालते तो दिख गए वीडियो। और उसके बाद में आवली वगैरह सब चढ़ाएंगे आज हम। उसके बाद में सब बोर भाजी होली देव उठाते हैं। वैसे रीति रिवाज है, वैसे देव सोते तो नहीं होंगे, ये दुनिया की रीत है ना। और अब मैं आई हूँ और अब मैं देखो झाड़ू वगैरह देती हूँ। और मैंने सोचा कि चलो आज मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। और सोशल मीडिया पे मैंने जो देखी है बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि मैं भी कम से कम 2-3 साल से इन सभी पूरी आल फैमिली की वीडियो देखती हूँ। मैं आप समझ गए होंगे है ना, सचिन भैया, मनीषा दीदी, और उसके बाद में उनके घर प्रिंस, रंजना माम, अप्सरा माम है ना, फिर बेंगलोर की दीदी वगैरह, और उसके बाद अंशु, शुभम ऑफिसर, पूरे वीडियो देखते हुए मैंने मन बहुत वैसा हो गया था। मैंने वीडियो भी बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी है ना। मैंने सोशल मीडिया पे तुम क्या संदेश दे रहे हो इस तरह से? और देखो कुछ भी बातें, मैं किसी भी पक्ष को गलत नहीं बोलूँगी, अभी तो उनका कुछ हुआ नहीं, परंतु गलत है ये चीज़ें, अच्छी चीज़ें नहीं है, ये एक संसार को बिगाड़ने वाली चीज़ें हैं है ना। और इसके लिए लेडीज़ पूरा कितना सफ़र करती है, कितना भी अच्छा हो जाएगा, परंतु जो उस पर बीत रही है मनीषा पे, वो शायद कोई भी एहसास नहीं कर सकता उसका दर्द है ना। अच्छी खासी ज़िंदगी थी उनकी, इस तरह से कैसे पटरी बोलते ना, दो पहिए रहते हैं, कैसे तुम अलग दिशा में दौड़ लगाने गए। अब कौन गलत है कौन सही है ये तो नहीं बोलते, परंतु ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती है मुझे ना। मैं बोल रही ना, उस दिन उन लोगों का वो अलका दीदी, उनका ऑनलाइन सब चल रहा था इस तरह की, तो कहते ना रात भर नहीं सोई, रात भर वीडियो ने वो दी गई कि वीडियो और कैसा आएगा, आगे वीडियो कैसा आएगा, ऐसे कुछ खबर ऐसी तो नहीं वैसी तो नहीं, क्या हो रहा उनके वहाँ पे फैमिली पे, अम्बाला में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। तो ये ना कहते डिस्टर्ब करने वाली बात रहती है, सारी पूरी यूट्यूब फैमिली भी बिल्कुल वो हो जाती है, हिल जाती है इस तरह की चीज़ें देख के है ना। और फिर ये वीडियो भी दौड़ लगा लेते हैं, किसी की भी देखो दुख है या कुछ भी है, उसमें ना नहीं सपोर्ट करने की बजाय आप लोग किसे भी मैसेज देते हो, ये चीज़ें भी गलत होती हैं। देखो एक लेडीज़ को हिम्मत दो है ना, हो सकता कोई कोई अपने भी ऐसा रहता, जल्दी उम्र में शादी हो जाती तो नहीं समझ पाते। मेरी जोने के साथ में इतनी अपनी मेच्योर क्या नहीं हो जाती है अपन की, हर चीज़ अपन समझ पाती है ना। बोलते ना सात फेरे लेने के बाद ये जिससे शादी हुई इसने समझना चाहिए दिल सही है ना। बुरा लगता है मुझे, लेडीज़ों का क्या पता क्यों बुरा लगता है, आंसू भी निकल गए थे मुझे, खाली मनीषा के लिए लगता है। अभी बहुत मासूम है वो, अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही है उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है सारा, कहते ना वो लेडीज पे ना सो पा रही होगी, ना हंस पा रही होगी, ना खा पा रही होगी, नहीं अच्छा लगता है उनको देखते आ रही है ऐसा लगता ना अपने। मैं बोलती ना, मैं संस्था से आने के बाद में 2 घंटे में उन्हें सभी के ब्लॉग देखती हूँ, और एक दिन ब्लॉग नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका ब्लॉग नहीं आया। इनके 1.5-2 साल पहले के मैंने ब्लॉग देखे ना, बहुत प्यारे थे, जो किराए के मकान में ये रहते थे, इतना अच्छा लगता था इन दोनों की केमिस्ट्री एकदम, इतनी प्यारी थी, दोनों कपल इतने प्यारे थे,
देखो अपने हाथ में भी रहता है कुछ, तो सा बीबी की तरफ देखना था बस, कुछ भी चीज़ अपनी बीबी की तरफ देखना था। कहते ना बाहर वालों से इतना रिश्ता नहीं बनाना चाहिए कि अपना घर ही फूट जाए। ये तो तमाशा देखने वाले लोग रहते हैं, अपना सब कुछ खत्म हो गया। मैं बहुत बोल रही हूँ पर मेरे को अंदर की भावनाएं ऐसी हो रही है कि क्या करूँ मैं। मालूम ऐसे कई औरतों के साथ हो रहा है कि औरत को जिसके साथ शादी होती ना वो ही नहीं समझ पा रहा है, वो ये उसकी खुशी के लिए वो सब पूरा कुर्बान हो जाती, फिर भी वो उसकी दशा को नहीं समझ रहा, तो फिर क्या है ये? अच्छी चीज़ें भी नहीं है, मुझे तो नहीं अच्छी लगती है। मैं सोच रही थी मैं इस पे वीडियो बनाऊँ या कुछ करूँ, परंतु मेरी इच्छा नहीं। आज मैंने सोचा चलो टाइम भी मिल गया है थोड़ा सा, तो मैं अकेला बना लेती हूँ वीडियो और देखो बताती हूँ। वीडियो देख देख के ना इतना सिर दर्द होने लग गया, इतना सिर दर्द होने लग। सब कुछ ही है तुम्हारे पास में, क्या नहीं है तुम्हारे पास में, सब है। भगवान किसी के पास शायद इतना भी नहीं है। कहते झोपड़ी वाले भी मैंने दोनों जोड़े ऐसे प्रेम से रहते हैं, तुम्हारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है। इतनी और बीबी कितनी सुंदर मासूम है वो, कितनी वो है। कोई कोई इंसान ऐसा रहता है कि देख के भी चुप रहता है अपना परिवार को चलाने के लिए। ये चीज़ें होती है संसार में कि भाई आदमी के खिलाफ जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, साथ तो आदमी का ही देना है। वो कहते ना मायके वाले नहीं साथ देते, इतना मायके वाले भी कितना साथ देंगे, उनके साथ में उनकी भी फैमिली है ना। और फिर ऐसा ना शादी के बाद में आपको ये निभाना पड़ता है कि देखो ससुराल कैसा भी हो आपको निभाना है, बस ये बोला ही जाता है कि ये संसार में आपको निभाना है। फिर उस संसार वालों ने भी समझना चाहिए कि उसका दर्द क्या है। मैं तो यही बोलूँगी, मैं वीडियो को अब बंद कर रही हूँ क्योंकि क्या देखेंगे कि नहीं देखेंगे, पर मैं यही संदेश दूंगी आखिर में कि संभाल लो अपना, अपनी फैमिली संभाल लो। और बस साल भर के अंदर एक नन्ना मुन्ना कान्हा जी आ जाएंगे ना तो सब चेंज हो जाएगा, बस यही संदेश दूंगी। एक नन्ना मुन्ना कान्हा जी आने से आपके घर की पूरी खुशियाँ वापस लौट आएगी, फिर तुम पिछली दुनिया में कभी मत जाना, बस यही। मैं तो यही बोल रही हूँ, भगवान किसी का दर्द सहन नहीं होता। चलो इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग देती हूँ और लास्ट में बोलती हूँ हैप्पी ग्यारस को भी आप लोग कैसे मनाते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे नहीं मनाते हैं, हम तो खाली गन्ने की पूजा करते हैं। हमारे इधर बोले नहीं बनती संस्कार में, तो हम लोग भी नहीं बनाते, बस पूजा करते हैं। मैं कुछ पूजा की आदत ही मैं चढ़ा देती, पूजा कर लेती, वैसे बनाती नहीं। जैसे एक से पूरे आसपास गन्ने रख के वो नहीं बनाती। चलो ठीक है, बाय बाय, दुआ में याद रखना और भगवान करे सब अच्छा हो जाए, सब के घरों की खुशियाँ लौट के आ जाए, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय।